वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे पार्ट दो, भालू ने खेली फुटबॉल। क्या नाम है? भालू ने खेली फुटबॉल के कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर। तो पहले हम क्या करेंगे, कठिन शब्द। सबसे पहले सर्दियों, र कहाँ आ गया सर्दियों का, ये र, सर्दियों। नंबर टू मौसम। नंबर थ्री वक्त, वक्त यानी के समय। नंबर फोर जामुन। नंबर फाइव सैर, सै सै पे दो मात्राएं आ गई, स नहीं है ये, सै यानी के दो मात्राओं वाला सैर। नंबर सिक्स यानी के नंबर छह नजर, ज ज में बिंदी नजर। नंबर सात आंखें, चांद बिंदु और बिंदी, सिंपल आंखें। नंबर एट फुटबॉल, फुट यहां पर फ के नीचे बिंदी, फुटबॉल, बॉल को ऐसे लिखेंगे हम, ये मात्रा की तरह ही होता है हमारा। नंबर नो गर्मी, गर्मी में र कहाँ आ गया, ये। नंबर दस जल्दी, ल हमारा बीच में ही रह गया हमारे मुंह के, जल ल बीच में रह गया ना मुंह में, तो जल दी जल्दी। नंबर ग्यारह फुर्ती, इसमें भी बिंदी आ गई र, या फुर्ती। नंबर बारह आफत, इसमें भी बिंदी आ गई, हमने ये सारे शब्द ध्यान ध्यान से लिखने हैं। नंबर तेरह बारहवीं, वी पे बिंदी बारहवीं। नंबर चौदह जमीन, ज ज पे बिंदी आ गई जमीन। नंबर पंद्रह हर, र ये आ गया हर जाना। नंबर सोलह ग्यारह है, ग्या ग हमारा मुंह में ही रह गया इसलिए इसमें डंडा नहीं लगाएंगे हम, ग्यारह है। नंबर सत्रह दौड़कर, दौड़कर में कितनी मात्राएं लगाएंगे हम, दो बड़े ओ की मात्रा, दौड़कर। नंबर अठारह हड़ बड़ी, हड़ बड़ी। नंबर उन्नीस बच्चा, च च जो था हमारा मुंह में रह गया, बच मुंह में रह गया ना, बच्चा। नंबर बीस लाखों, ऊ यानी कि बिंदी की आवाज आ रही है, लाखों। तो ये तो थे हमारे कठिन शब्द। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। नंबर वन, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, जो पेड़ की डाल थी ना उसने क्यों पकड़ी। उत्तर हड़बड़ी, घबरा गया था ना उसे पता ही नहीं चला क्या हुआ है, हड़बड़ी में अपने आप को बचाने के लिए। हड़बड़ी में अब वो अपने आप को कैसे बचाए, तो उसने पेड़ की डाली पकड़नी थी ना क्योंकि उसके सामने पेड़ था। हड़बड़ी में अपने आप को बचाने के लिए शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ी। नंबर टू, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, दहाड़ा था ना वो जोर से, क्यों दहाड़ा। उत्तर हड़बड़ी में, हड़बड़ी में डर के कारण, डर गया था ना वो हड़बड़ी में, हड़बड़ी में डर के कारण शेर का बच्चा दहाड़ा। नंबर थ्री, भालू साहब किस बात पर पछताए, भालू साहब पछताए थे ना तो किस बात पर पछताए। उत्तर भालू साहब कोहरे के कारण सैर करने आने पर पछताए, जब वो सैर करने आए तो उन्होंने देखा कोहरा ही कोहरा था
इस वजह से वो पछताए। तो हम दोबारा से बोलेंगे इसको, भालू साहब कोहरे के कारण सैर करने आने पर पछताए। नंबर 4, भालू ने क्यों कहा ओहो, किस आफत में आ फंसा? उत्तर, शेर के बच्चे को उछालते उछालते। भालू साहब क्या कर रहे थे, शेर के बच्चे को तो मजा आ रहा था तो वो उछाल ही रहे थे, तो शेर के बच्चे को उछालते उछालते भालू साहब थक गए थे, इसलिए भालू ने कहा ओहो, किस आफत में आ फंसा? क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी कि गेंद का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर, पिट्ठू, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो ये सारे गेम ऐसे हैं हमारे जिसमें गेंद का इस्तेमाल होता है यानी कि बॉल का। नंबर 6 क्वेश्चन, ठंड से बचने के लिए क्या क्या पहनते हैं? उत्तर, कोट, टोपी, स्वेटर, जुराब, दस्ताने, जैकेट आदि, यानी कि और भी कुछ पहना जा सकता है सर्दी से बचने के लिए, तो वो आप लिख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।